वो आ रही है हमारे सेठी साहब की तरफ से। तो 2 मिनट में सेठी साहब आपके लिए एक बेहतरीन गणपति पिक लेकर आने वाले हैं, इस पर रखिएगा नजर। तब तक हमारी अनिल जी, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, अनिल जी जो स्टॉक मैं आप रिकमेंड करने जा रहा हूँ, एक बहुत ही दमदार कंपनी है। स्टॉक का नाम है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि मोतीलाल ओएफएस के नाम से ट्रेड होता है। 805 का अभी करंट प्राइस चल रहा है। ठीक है अनिल जी, एक भारत की लीडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, जो कि ब्रोकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, पीएमएस, मर्चेंट बैंकिंग, सब तरह के एंटायर गेमट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करती है। कंपनी 550 सिटीज और टाउन्स भारत के, उसमें प्रेजेंट है, 2500 इनके ऑफिसेज हैं और करीबन 20 लाख इनके कस्टमर्स हैं। और अनिल जी, इस स्टॉक के वैल्यूएशन को देखेंगे तो जो इनके पीयर्स हैं, जैसे एंजल ब्रोकिंग है या आपके आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है, इनसे कंपैरिजन में बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 2.6 का इनका प्राइस टू बुक वैल्यू है, जबकि एंजल का है अराउंड 9.6, आईसेक का है अराउंड 13। प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल के लिहाज से देखेंगे तो 9 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है, जबकि एंजल 28 का मल्टीपल है, आईसेक है 20 का मल्टीपल। बाकी अनिल जी, सॉलिड फंडामेंटल्स है, रिटर्न ऑन इक्विटी 28%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 54%, पिछले 3 साल का पैट का कैगर है 38% का। प्रोमोटर्स जो कि नामी गिरामी रामदेव अग्रवाल जी है, मोतीलाल ओसवाल जी है और बाकी उनकी कंपनीज मिला के 70% अराउंड ओन करती है। FIIs, DIIs अराउंड 13% ओन करते हैं। ICICI प्रू है, जिसमें प्रोमिनेंट फ्रैंकलिन टेम्पलटन भी इसमें हिस्सेदारी मेंटेन करता है। बाकी अनिल जी, इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म का तो मेरा टारगेट है 850 रुपए का, तो वो तो मुझे लगता है जल्दी आने चाहिए, बट इस स्टॉक को भी मेरा मानना है कि निवेश के हिसाब से रखना चाहिए। आने वाले 9 से 12 महीने में मुझे लगता है कम से कम 50% की अपसाइड इसमें आने चाहिए। मुझे लगता है जिस तरीके से पिछले 1 साल में हमने देखा CDSL का परफॉर्मेंस, BSE, MCX का परफॉर्मेंस, मुझे लगता है या कैम्स का परफॉर्मेंस, मुझे लगता है बाकी भी ब्रोकरेज स्टॉक जैसे एंजल है, आईसेक है, इसने अंडर परफॉर्म किया है। हालांकि ईयरली हाईस थे 1188 के और वहां से अच्छा खासा करेक्ट होकर कंसोलिडेट करके वापिस से तैयारी है तेजी करने की। मुझे लगता है इस स्टॉक को खरीदना चाहिए और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 850 रुपए। टर्म टारगेट 1200 रुपए के, लॉन्ग टर्म टारगेट ये है खरीदारी करने की राय। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, ये मैंने भी स्टॉक कई बार देखा पड़ा लेकिन कभी इस एंगल से नहीं सोचा। मोतीलाल ओएफएस, वाह, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस को ओएफएस कर बनाने का मतलब, ये तो कलाकारी सिर्फ हमारे सेठी साहब ही कर सकते हैं। तो मुझे लगा इनका ओएफएस कब से आ रहा है, एक बार में तो ओएफएस सुना, मुझे लगा इसका ओएफएस आने वाला है। जी सेठी साहब, नहीं, इसका वाकई में एनएससी का सिंबल मोतीलाल ओएफएस ही है, ये एमओएफएस भी नहीं, मोतीलाल ओएफएस ऐसे करके इसका एनएससी में सिंबल है। तो कमाल एनएससी का किया हुआ है, चलिए बढ़िया है। तो मोतीलाल ओएफएस ये है आपके लिए स्टॉक सेठी साहब की तरफ से इस गणपति पर विशेष पिक। और आइए एक